हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो आए हैं इन द ईयर 2023। सो 2023 का मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है। हमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। सो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का। ठीक है, यहां पे हमें कितने ऑब्जर्वेशंस गिवन है? तीन ऑब्जर्वेशंस गिवन है। क्लास इंटरवल में पहला कौन सा है? 0 to 6, दूसरा 6 to 12, एंड उसके बाद में 12 to 18। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल का हम लोग निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, एक्स आई बोले तो इनका मिड पॉइंट। ठीक है, 0 to 6 का मिड पॉइंट क्या रहेगा? 0 + 6, 6 / 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में 6 + 12 दैट इज इक्वल टू 18, 18 / 2 दैट इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद में 12 + 18 दैट इज इक्वल टू 30, 30 / 2 दैट इज इक्वल टू 15। ये आ गया। फिर करस्पॉन्डिंग हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ आई। वो कितना गिवन है? 2, 4 and 6। फिर उसके बाद में क्लास इंटरवल गिवन है, तो हमें इसका वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकाल के लिए, वेरिएंस के लिए हमें लगेगा एक्स आई स्क्वेयर। सो ये हो गया एक्स आई का स्क्वेयर। दैट मीन्स जो एक्स आई का वैल्यू उसका स्क्वेयर निकालना है। सो 3 square is 9, 9 square is 81, एंड 15 square is 225। फिर हम लोग निकालेंगे एक्स आई स्क्वेयर एफ आई, एक्स आई स्क्वेयर एफ आई निकालेंगे। ठीक है, सो एक्स आई स्क्वेयर इंटू एफ आई, 9 into 2 दैट इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद में 81 into 4 से आ जाएगा 324, एंड 225 into 6 से आ जाएगा 6 5 30, कैरी 3 6 12, 15 हो गया 1350। कितना आ गया? 1350। एंड एक कॉलम हमारा बच गया, दैट इज एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई, 3 2 6, 9 into 4, 36, एंड 15 into 6 दैट इज इक्वल टू 90। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेंगे। इसका समेशन कितना होगा? 12। फिर उसके बाद में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई, इनका एडिशन करेंगे। सो हमको मिलेगा 8 + 4 = 12, 5 + 2 = 7, + 1 = 8, + 1 = 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, सो हो जाएगा 1692। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे क्या, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ये हो जाएगा 6 + 6 = 12, कैरी 1, 9 10 11 12 13। सो ये निकल गए सारे समेशन। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और ये इसका स्क्वेयर। क्लियर? अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई कितना आ गया हमारा? 1692 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 12 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है हमारा? 132। सो 132 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना अपना? 12, एंड इसका स्क्वेयर। सो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1692 डिवाइड बाय 12, इसको फटाक से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर आएगा कितना? 141 माइनस 132 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 11, एंड 11 का स्क्वायर वो कितना हो गया? 121। सो ये कितना हो जाएगा? 141 माइनस 121, सो दैट विल बी इक्वल टू 20। ये वैल्यू किसका निकल जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। ये वैल्यू किसका निकल जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हम लोग वेरिएंस पे से क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट 20
कितना रूट 20, ठीक है। सो 20 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 2 रूट 5, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा आर 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, दैट मींस 5 क्या हो गया हमारा मीन एंड 2 क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है 3, 5, 7, A एंड B। इसमें से ये जो ए एंड बी ये क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये चार हमें ऑप्शन गिवन है, ये चार में से कोई तो भी एक इक्वेशन के ये दो रूट्स रहेंगे ए एंड बी, तो हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले हमें क्या गिवन है ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से गिवन है ऑब्जर्वेशंस हमारे कौन कौन से 3, 5, 7, A एंड B, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले हमें मीन कितना गिवन है, मीन दैट मींस एक्स बार वो हमें गिवन है कितना 5, उसके बाद में क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आता है वेरिएंस पे से, कहां से आता है वेरिएंस पे से, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट मींस वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। देखो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, सो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमको क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बराबर है। सो यहां पे हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, सो वेरिएंस ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे यहां पे मीन निकालेंगे, मीन टोटल ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हमारे 3, 5, 7, A, B, सो 3 + 5 + 7 + A + B अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 3 + 2, 5, सो देयरफॉर मीन हमें कितना गिवन है 5, सो 5 इज इक्वल टू 7 + 3, 10 + 5, 15, सो 15 + A + B अपॉन 5, सो देयरफॉर 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया 25 इज इक्वल टू 15 + A + B, सो देयरफॉर A + B इज इक्वल टू 15 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, सो ये मिल जाएगा हमको 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन कितना है हमारा 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है हमारा, मीन हमको गिवन है 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड वेरिएंस, वेरिएंस हमको हमारे पास में कितना है 4, सो दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 25, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये माइनस 25 है लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 25 हो जाएगा, है ना, सो ये कितना बचेगा 4 + 5 25 + 4 दैट इज इक्वल टू 29, सो देयरफॉर 29 इज इक्वल टू, अब इन तीनों का एडिशन करेंगे 49 + 25 तो ये हो जाएगा कितना 50 + 24 दैट इज इक्वल टू 74, 74 + 9 ठीक है दैट विल बी इक्वल टू 83, 83 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना 5 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको कितना मिल जाएगा देयरफॉर 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 59 45 कैरी 4 145 इज इक्वल टू 83 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये कितना हो गया था
तुमको क्या मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 145 माइनस 83 सो दैट विल बी इक्वल टू 62 ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 62 क्लियर विद दिस अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ का पोजीशन क्लियर कर लेते हैं ये जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ठीक है इसको क्लियर कर लेते हैं अब हमारे पास में एक इक्वेशन है ए प्लस बी होल स्क्वेयर ठीक है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ठीक है ये इक्वेशन हमको मालूम है ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10 सो देयर फोर 10 का स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी ये चीज क्लियर हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में कितना है 62 सो यहां पे पुट करेंगे सो देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 62 प्लस ट्वाइस ए बी 62 इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा सो 100 माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 38 38 इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 समझ में आ गया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना यहां पे लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एंड बी रूट्स जहां पे ए एंड बी क्या होते हैं रूट्स होते हैं सो वो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां पे एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो सो देयरफॉर ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है हमारा 10 सो 10 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बोले तो क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो कितना है 19 दैट विल बी इक्वल टू जीरो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है जिसके रूट्स क्या है ए एंड बी है ठीक है सो आंसर्स मैच कर लेते हैं सो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 19 इक्वल टू जीरो सो राइट आंसर इज सी समझ में आ गया ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 द वेरियंस फॉर फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 सबसे पहले हमें क्या करना है हमें 6 नंबर्स चाहिए 6 प्राइम नंबर्स चाहिए विच आर ग्रेटर देन 5 सो द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 आर 5 के बाद में 6 आएगा क्या प्राइम नंबर नहीं फिर उसके बाद में आएगा 7 8 आएगा क्या नहीं 9 नहीं 10 नहीं फिर उसके बाद में आएगा 11 फिर उसके बाद में 13 14 भी नहीं है 15 भी नहीं है 16 भी नहीं है 17 फिर उसके बाद में 19 कितने चाहिए थे हमको 6 तो ये कितने हो गए 5 फिर 19 के बाद में 20 आएगा क्या नहीं 21 नहीं 22 नहीं फिर उसके बाद में कौन सा आएगा 23 सो ये हो गया 23 सो ये हो गया हमारे 6 प्राइम नंबर्स अब हमें क्या करना है इनका वेरियंस निकालना है वेरियंस निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसका मीन है ना सो मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सारे नंबर्स का एडिशन 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है 6 सो एक्स बार इज इक्वल टू इन सब का एडिशन करेंगे सो 23 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा 42 प्लस अगला नंबर दैट इज 17 तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 13 सो
ये हो जाएगा 72 प्लस 7 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 18, सो ये हो जाएगा हमारे पास में 90। सो हमारा टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 90/6, सो दैट विल बी इक्वल टू 15। सो हमारा मीन कितना निकल गया 15। अब वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर अपॉन m, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई, कितना एक्स आई बोले तो अपना नंबर जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक्स बार बोले तो मीन, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वेयर करना है। सो 7 यहां पे हम लोग लिखते हैं 7-15 होल स्क्वेयर प्लस 11-15 होल स्क्वेयर प्लस 13-15 होल स्क्वेयर प्लस 17-15 होल स्क्वेयर प्लस 19-15 होल स्क्वेयर प्लस 23-15 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, कितना है हमारे पास में 6। सो वेरियंस विल बी इक्वल टू 15-7, मतलब 7-15 दैट इज इक्वल टू -8 का स्क्वेयर प्लस 11-15 दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वेयर प्लस 13-15 दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वेयर प्लस 17-15 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर प्लस 19-15 सो ये हो गया 4 का स्क्वेयर प्लस 23-15 दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वेयर अपॉन 6। सो दैट विल बी इक्वल टू -8 का स्क्वेयर वो कितना हो जाएगा 64 प्लस -4 का स्क्वेयर 16, ये हो गया -2 का स्क्वेयर 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 6, 64 16 16 4 4, तो हम लोग क्या करेंगे 64 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 84 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज यही दो ये टर्म्स रिपीट हुए, सो कितना हो जाएगा 8 एंड 16, सो ये कितना हो गया 168, सो 168 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 2 12, तो ये आ गया 4 8, ये आ गया 6। ये आ गया 28, सो दैट विल बी इक्वल टू 28, सो वेरियंस का वैल्यू कितना है 28, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 4, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर, मीन हमें एक्स बार गिवन है कितना 8, ठीक है, एंड मीन सिग्मा वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना 6। अब इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन न्यू वेरियंस इज, ठीक है, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू, हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेरियंस ऑफ x जो गिवन है, सो 3 स्क्वायर इज 9 इंटू वेरियंस कितना गिवन है 16, सो 16 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 144, सो राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ हमें एक चीज याद रखना है, हमें ऑलरेडी कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशन का हमें वेरियंस गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर हर ऑब्जर्वेशन को यहां पे कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, एंड हमें क्या बोला गया फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेरियंस, है ना, हम लोगों ने 3 से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो नए वेरियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 स्क्वेयर करेंगे इनटू जो वेरियंस हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 16, सो 9 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 144। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ अ वेरियंस ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्या वेरियंस ऑफ x1 x2 अप टू xn इज
सिग्मा एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या बोला है, देन द वेरियंस ऑफ लैम्बडा एक्स वन लैम्बडा एक्स टू अप टू लैम्बडा एक्स एन। अब यहां पे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा से, सो देन न्यू वेरियंस इज इक्वल टू, इसको याद रखना, जब भी हम लोग हर ऑब्जर्वेशन को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरियंस क्या आएगा, ये लैम्बडा का स्क्वायर इनटू न्यू जो अपना ओरिजिनल वेरियंस था दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू वेरियंस। सो लैम्बडा स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स, सॉरी लैम्बडा स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सो राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया, बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल था ये, बस सिर्फ हमें एक चीज याद रखना है कि हमें कुछ नंबर्स का वेरियंस गिवन है लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर एक्स। अब हम लोग अगर हर ऑब्जर्वेशन को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर के से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया वेरियंस रहेगा वो क्या रहेगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर लेना है एंड जो हमारा पुराना वेरियंस था वो लेना है, ओरिजिनल वेरियंस, ठीक है। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, इफ बोथ मीन एंड वेरियंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू 16 एंड 256, दैट मींस हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n इज इक्वल टू 50 ऑब्जर्वेशंस है। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 एंड उसका वेरियंस वेरियंस वो हमको कितना गिवन है 256, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग वेरियंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस जो मीन है उसका स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इनमें से ये एक्स आई का वैल्यू कहां तक रेंज करेगा, अप टू 50, ठीक है। सो दैट मींस एन का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अब इनमें से हमें वेरियंस गिवन है 256 गिवन है, फिर उसके बाद में एक्स बार दैट इज मीन हमें गिवन है 16 गिवन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा देयर फोर वेरियंस का वैल्यू कितना है 256, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 50 माइनस एक्स बार बोले तो कितना मीन, तो हो गया 16 का स्क्वायर। सो देयर फोर 256 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन 50 माइनस 16 का स्क्वेयर 256। 256 लेफ्ट हैंड साइड में क्या तो ऐड हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन 50 दैट विल बी इक्वल टू 256 प्लस 256 दैट विल बी इक्वल टू 512। सो देयरफोर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, 512 मल्टीप्लाइड बाय 50 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये एंड में आ गया जीरो, 5 इंटू 2 10 कैरी 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6 एंड 5 इंटू 5 25। सो हमारे पास में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर कितना आ गया 256 00 मतलब 25600, क्लियर। अब हमने क्या किया, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हर ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से क्या कर रहे हैं 5 माइनस कर रहे हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वेयर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे यह ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने 50, ठीक है,
क्लियर. सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ये हो गया 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 50. समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अभी निकाला 25600. सो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 25600 माइनस 10 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई. ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई कितना रहेगा हमारा 16 इंटू 50 है ना. सो 16 इंटू 50 प्लस 25 इंटू 50 सो ये हो जाएगा 0. 5 इंटू 5 25 12. ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 25600 माइनस 16 इंटू 50. यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 16 इंटू 50 दैट विल बी इक्वल टू 0. 6 इंटू 5 30 कैरी 3 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 8000 प्लस 1250. सो 25600 माइनस 8000 तो ये आ जाएगा हमारा 0 0. ये 6 में से 0 गया 6 एंड 25 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 1250. सो इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8 और ये हो गया 1. सो ये मिल गया हमको क्या समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर. अब हमको क्या निकालना है, मीन. नया मीन निकालना है हमें. सो रिक्वायर्ड मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन एन. सो दैट विल बी इक्वल टू 18850 अपॉन एन कितना है 50. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो हमको क्या मिलेगा 377. इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 377. सो राइट आंसर इज सी. क्लियर, ओके. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ द वेरियंस ऑफ द नंबर्स, कुछ नंबर्स हमें गिवन है माइनस 1 0 1 के. ठीक है, इनका वेरियंस हमें गिवन है कितना 5. देन हमें के का वैल्यू निकालना है और हमें कंडीशन दी है कि के शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सबसे पहले हमें कितने नंबर्स गिवन है, एन इज इक्वल टू. ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हमें गिवन है, माइनस 1 0 1 के. ठीक है, हमें टोटल कितने, सॉरी ये क्या हो गया, हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए. सो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, फोर नंबर्स हमें गिवन है. ऑब्जर्वेशन है हमारे माइनस 1 0 1 एंड के. फिर उसके बाद में हमें गिवन है सिग्मा एक्स का स्क्वायर वेरियंस. वेरियंस हमें कितना गिवन है 5. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे. मीन एक्स बार इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 4. सो देयरफॉर मीन एक्स बार कितना हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये हो गया 0. सो मीन विल बी इक्वल टू के बाय 4. ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे वेरियंस. सो सिग्मा एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर. सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर, सो हो गया माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन एन का वैल्यू कितना है 4 माइनस के स्क्वेयर. के का वैल्यू माइनस मीन बोले तो कितना के बाय 4. सो के बाय 4 का स्क्वेयर एंड वेरियंस हमें कितना गिवन है 5. ठीक है, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वेयर 1, 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर अपॉन 16. ठीक है,
सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर अपॉन 16। पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, सो ये हो जाएगा 80, सो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, सो 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के स्क्वायर, सो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस 8 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सॉरी प्लस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा, माइनस 8, एंड 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 72, सो देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 3, सो ये कितना हो जाएगा, 24, सो के स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 24, सो इस पे से देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, ठीक है, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू रूट 24, ठीक है, माइनस साइन इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है कि k क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, सो देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड रूट ऑफ 4 मीन्स 2, सो ये क्या जाएगा, 2 रूट 6, k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2 रूट 6, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, समझ में आ गया, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है फॉर 20 ऑब्जर्वेशन, दैट मींस ये हो गया वैल्यू किसका, n का, फॉर 20 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल कैपिटल वेरिएबल x, इफ समेशन ऑफ, क्या बोला हमें, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 इज इक्वल टू 20, हमें कंडीशन क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 इज इक्वल टू 20 एंड समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तब फिर हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 इज इक्वल टू 20, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 इंटू, ठीक है, ये 2 लेकिन कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे, एन का वैल्यू कितना है, 20, सो 2 इंटू एन इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 20 इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 40 इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 60, यहां तक समझ में आ गया, अब दूसरा कंडीशन हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, कुछ एग्जांपल्स पहले हम लोगों ने क्या देखा था, समेशन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर देखा था, बराबर है, सो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर समेशन ऑफ पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म समेशन ऑफ एक्स आई इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन दैट इज इक्वल टू 100, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन, समझ में आ गया, सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 2 स्क्वेयर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 20 इज इक्वल टू 100, देयरफॉर समेशन ऑफ, यहां पे हमने समेशन ऑफ एक्स आई निकाला कितना 60, सो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर माइनस 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई बोले तो कितना हो गया 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 6 इंटू 4 240 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 200 इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80, यहां पे आ जाएगा 80, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 240 माइनस 80,
समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 240 दैट इज इक्वल टू 260। यहां तक क्लियर हो गया? ये वैल्यूज हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। हमको मिल गया समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू मिल गया 60 एंड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर का वैल्यू हमको मिल गया 260। अब हमें क्या निकालना है? वेरियंस। वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वेयर। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर कितना है? 260 अपॉन एन का वैल्यू कितना है हमारा? 20 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ गया? 60 अपॉन एन का वैल्यू कितना है हमारा? 20 स्क्वेयर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कितना? 13 माइनस ये हो गया 3 स्क्वेयर 9, सो दैट विल बी इक्वल टू 4। ये वैल्यू किसका मिल गया हमको? वेरियंस का। हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरियंस, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट 4। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। सो करेक्ट आंसर इज 2। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। द रॉ डेटा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज इन ए पी। ठीक है, इज इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी एंड द फर्स्ट टर्म इज 0। ठीक है, अब यहां पे हमें बोला गया है कि एक्स बार क्या है? मीन है, एंड सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरियंस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वेरियंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि ये नंबर्स किसमें? एपी में। सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीन। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। सिंस ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये किसमें? एपी में। सो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? एन बाय टू, टू टाइम्स एक्स वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन एन। यहां तक क्लियर हो गया? सो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स बार इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स वन डिवाइडेड बाय टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय टू। पहला टर्म क्या है? जीरो। यहां पे हमें बोला गया पहला टर्म जीरो, दैट मीन्स एक्स वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो देयर फोर एक्स बार इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय टू। ये वैल्यू मिल गया हमको किसका? मीन का। सो हम लोग यहां पे लिख के रख लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय टू। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस एक्स एन का स्क्वेयर। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस थर्ड टर्म हो जाएगा टू डी का स्क्वेयर प्लस ऐसे आखिरी टर्म जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी इसका स्क्वेयर। एन माइनस वन इंटू डी का स्क्वेयर हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू यहां से डी स्क्वेयर प्लस टू डी फोर डी स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस ये हो गया एन माइनस वन का स्क्वेयर डी का स्क्वेयर। यहां तक समझ में आ गया? सो दिस कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू किसका मिल गया? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर का, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे? वेरियंस निकालेंगे। वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू
समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला है. सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन, तो वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर इंटू एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन ये एन और ये इंटू सिक्स, तो हो जाएगा एन इंटू सिक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर. एक्स बार कितना है, एन माइनस वन का स्क्वेयर इंटू डी का स्क्वेयर अपॉन टू का स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू फोर. यहां से एन और एन कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस एन माइनस वन का स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर अपॉन फोर. यहां तक का पोर्शन क्लियर हो गया. अब ऊपर का पोर्शन क्लियर करके हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे. इसको यहां पे लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस एन माइनस वन का स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर अपॉन फोर. यहां से हम लोग डी स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद में एन माइनस वन, एन माइनस वन कॉमन निकालेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में से टू कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टू एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एन माइनस वन अपॉन टू. यहां तक क्लियर हो गया. फिर उसके बाद में ये इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू, ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन माइनस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर अपॉन टू इंटू फोर एन माइनस थ्री एन, दैट इज इक्वल टू एन, एंड ये माइनस टू माइनस टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन सिक्स. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व. ठीक है, अब यहां पे n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व. ये वैल्यू किसका है, वेरियंस का. सो डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, दोनों जगह डिनोमिनेटर 24 a कैंसिल हो गया, ये हो गया n माइनस वन स्क्वेयर, सो राइट आंसर इज d. समझ में आ गया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द वेरियंस ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है, 2n नेचुरल नंबर्स, इसका हमें क्या निकालना है, वेरियंस. सो वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू 2n का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m माइनस वन अपॉन 2n इंटू वन प्लस टू प्लस अप टू टू एन, इसका स्क्वेयर हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन टू एन इंटू इंटू ट्वाइस एन प्लस वन इंटू फोर एन प्लस वन माइनस दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2n इंटू ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n माइनस 1, कितना आ जाएगा, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वेयर. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस n, 1 अपॉन ट्वाइस n, यहां पे डिनोमिनेटर में 6 आएगा. ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 आएगा, सो 1 अपॉन ट्वाइस n और ये ट्वाइस n कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू फोर एन प्लस वन अपॉन
सिक्स माइनस ये ट्वाइस एन एंड ये ट्वाइस एन कट जाएगा, सो यहां पे क्या मिलेगा, टू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहां से ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन निकलेगा, ट्वाइस एन प्लस वन और यहां का टू कॉमन निकलेगा, तो यहां पे क्या मिलेगा, फोर एन प्लस वन अपॉन थ्री माइनस ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू इन टू, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एट एन प्लस टू माइनस सिक्स एन प्लस थ्री अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एट एन माइनस सिक्स एन दैट इज इक्वल टू टू एन और ये प्लस टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू प्लस फाइव अपॉन सिक्स। ठीक है, सो इसको अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट, यहां पे ये माइनस साइन होने के कारण ये भी क्या आएगा, यहां पे माइनस साइन आएगा, सो ये क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन आ जाएगा। अपॉन सिक्स, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन टू एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वेरियंस का फॉर्मूला लगाया, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस अप टू टू एन का स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस एन, ठीक है, माइनस ये इसका हो गया मीन। ठीक है, अब मीन होने के बाद में ये हो गया सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो यहां पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद में इसको सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया। ठीक है, सो हमको क्या मिला, फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, सो राइट आंसर इज डी। क्लियर, एंड अब बढ़ते टुवर्ड्स लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। यहां पे हमें क्या बोला गया, द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन है, इनका वेरियंस कितना है, वेरियंस इज 5। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, if each observation is multiplied by 2, then हमें क्या निकालना है, न्यू वेरियंस, then न्यू वेरियंस इज इक्वल टू, हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे, 2 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वेयर इन टू, जो अपना वेरियंस है वो कितना है 5, सो 2 स्क्वेयर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 20। इस टाइप का एग्जाम्पल ऑलरेडी आ चुका है, बस वहां पे लैम्बडा स्क्वायर था, लैम्बडा था, हर टर्म को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, यहां पे हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो नया वेरिएंस क्या आ जाएगा, कौन से टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो यहां पे आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड हमारा गिवन वेरिएंस कितना था 5, सो 4 इंटू 5 20, सो राइट आंसर इज डी। क्लियर, तो यही थे सारे क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, लेकिन कौन सी ईयर के, 2023।